घर पे मरने के बड़े नुकसान हैं। घर पे ना मरिएगा, घर पे मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे, बार बार हिलाएंगे हमें पहचानो हमें पहचानो, जो आएगा वही हिला के चला जाएगा, और तुम्हें हिलाएगा कहेगा पहचानो, आपने पहचान लिया तो जाके खाना शुरू कर देगा, वो तो गए आप तुम पहचानते रहो। और मर गए तो घंटे दो घंटे रोएगा, बाद में खिचड़ी खा के चला जाएगा। बिगड़ेगा उसका कुछ नहीं, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका बिगड़ेगा। यदि मैं मरते समय किसी को देखता देखता बेटे को बेटी को पति को पत्नी को परिवार को मित्र को, यदि मैं इनको देखता देखता मरा तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं इन्हें देखते देखते मर रहा हूं तो गति मेरी बिगड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मरते समय बहुत सावधान रहिएगा। तुलसी की माला हाथ में हो, राम नाम मुख में हो, चिंतन भगवान का हो, सामने राम का चित्र हो। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में राम का कृष्ण का बड़ा बड़ा चित्र लगाइए, ताकि किसी भी प्रकार से उनका दर्शन होता रहे। अपने घर में अपने हॉल में जहां बैठ के भोजन करते हो, जहां भोजन करते हो सामने की दीवार में कृष्ण का बढ़िया सा चित्र लगाओ, राम दरबार लगाओ, ताकि भोजन करते समय ना चाह कर भी तुम्हें दर्शन होता रहे। जहां बैठते हो वहां भी लगाओ, ताकि ना चाह करके भी तुम्हें दर्शन होता रहे, कोई आए तो दर्शन हो। और जब मरो तो बिल्कुल शांत चित्त से, जब तक कोई मर ना जाए तब तक रोना नहीं चाहिए रिश्तेदारों को, ये तो समझदारी है। बहू बेटे को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब तक पिताजी अभी जिंदा हैं, दादाजी अभी जिंदा हैं, तो रो क्यों रहे हो भाई, आप तो रो रहे हो, और मरने वाले का मन यदि आप में लग गया उसकी तो दुर्दशा हो जाएगी। फिर 84 का चक्कर, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। हाँ, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, है ना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब मरे बिल्कुल सावधानी के साथ भगवान का चिंतन करते करते, और घर परिवार में रहोगे ना तो झंझट तो लाख होगी, नो प्रॉब्लम, मरने नहीं देंगे दुनिया वाले। तुम कितना भी समझा लो, मैं कितना भी समझाऊं कथा में, ये हमारी माताएं किस प्रकार का रोती हैं सबको पता है। अजीब और गरीब तरीके से कौन रोता है, आपके रोने से ना हंसी आती है, जब किसी के मरने में आप लोग रोती हो ना, रोने का ढंग जब देखते हैं हंसी आती है, ये कैसा रोना है भाई। कई माताओं के तो कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं,
जितना तुम रोने में डूब गई इतना भजन में डूबी होती तो भगवान मिल जाते। ठीक है रो लो, थोड़ा बहुत रो ठीक है, अल्टी पल्टी मारने की क्या जरूरत है। हाँ गुलाटी मारती रहती है माताएं, ठीक ठीक रोना अच्छा है। और रोने से भी क्या फायदा, रोने से मरने वाला जिंदा हो जाए तो रोने से कोई फायदा है। आप लोग वैसे तो बिना फायदे के कोई काम नहीं करते और रोते बिना फायदे के, क्या फायदा बताओ, जिंदा हो जाएगा वो। और आंसू बहा रहे हो, ये आंसू सब भगवान के लिए बहते तो हमें ठीक लगता। मीराबाई भी रोती थी दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए रोती थी। कोई मरता है दुख लगता है ठीक है, और मरने में भी दुख तब लगता है कब, तब कोई समय के पहले मर जाए, कोई जवान मर जाए तो दुख की बात है। अब कोई 100 साल का बुढ़ा मरे तो इसमें रोने की क्या बात है भाई साहब, क्यों रोने की बात, जब तक जिंदा था भगवान उठा लो, अब मर गए तो रोने लगे, दोनों तरफ क्यों। मरना दुख नहीं है, मृत्यु एक उत्सव है। आप लोग समझते नहीं है, जो जिंदगी जीने में मजा है ना, यदि कर्म अच्छे करके मरोगे तो इससे ज्यादा मरने में मजा आएगा। मरना भी एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है, उत्सव की तरह होना चाहिए, ठाट वाट से। जो भगवान का चिंतन करते 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 प्राण त्यागते हैं निश्चित उनका कल्याण होता है। थोड़ा कम रोइए, जब कोई मरे तो गाय का गोबर से लीप के आंगन को उन्हें लिटाओ, हाथ में माला दो, सामने चित्र रखो और रोने की जगह कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब मर जाए राम का नाम उसके कानों में, कई बार ना मरने वाला आदमी बोल नहीं पाता क्योंकि बंद हो जाता है मुंह। मरते समय ना बहुत शरीर में दर्द होता है, श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। मरने वाले आदमी से पूछो कि उस वो 2-3 मिनट जो प्राण निकलने के टाइम होता ना, 2-3 मिनट, वो जो 3 मिनट का जो दर्द है ना, वो 3 जन्म के बराबर लगता है, वो 3 मिनट दुख के। अच्छा आपको पता है जब आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी तो 2-3 मिनट में ही हो जाती है, 5 मिनट लगता ज्यादा से ज्यादा, तो वो 5 मिनट जो है आपके कैसे गुजरते हैं बताओ, वो 5 मिनट सालों जैसे गुजरते कि नहीं। एक स्त्री को मां बनने में डिलीवरी के टाइम जितना कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जितना दर्द मां को होता है ना डिलीवरी के टाइम, उस जितना दर्द मां को होता है मां से कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। अर्थात मुझे भी हुआ था आपको भी हुआ था, और जितना दर्द जन्म के टाइम होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द पीड़ा मृत्यु के टाइम हर व्यक्ति को होती है, हर प्राणी को। जन्मत मरत दुसह दुख होई, आदमी चिल्लाता है चीखता है मरने वाला आदमी, कई बार मरते हुए आदमी ना चीखते हैं चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें यमराज यमदूत के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं, फिर संसार में अंधकार छा जाता है उनकी आंखों में, वो चिल्लाते हैं चीखते हैं। कई बार ना मरने वाले के सामने आप बैठना, वो चीखता है चिल्लाता है डरता है भागता है, सब दिखने लगा, उसकी पिक्चर चालू हो गई, जो जो किया है सब सामने आने लगा। अभी यमराज गले में रस्सी डाल के यमदूत ले जाएंगे घसीटते हुए, यहां से 99,000 योजन की दूरी पे यम नगरी है,
यमपुरी कहाँ है? यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी है, वहां हमें घसीट कर ले जाते हैं, ले जाओ चलो तुम्हारे कर्मों का फल वहां मिलेगा जो जो तुमने किया। आप ये दुनिया में मस्त ना हो जाएं, ये दुनिया से भी अलग एक दुनिया और है। यहां तो अच्छा, एक होता है आपका घर, एक होता है आपका ऑफिस, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र अलग होता है, फैक्ट्री अलग होती है और घर अलग होता है। घर का वातावरण अलग होता है, फैक्ट्री का वातावरण अलग होता है। फैक्ट्री में कमाओ पैसे और उसका मजा घर पे लो। ऐसे ही ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहां कर्म करो करो करो, अच्छा बुरा, अच्छा जो तुम कर रहे हो सब करो, अच्छा करो या बुरा करो। पानी भी भरा है तुम्हारे सामने, दूध भी भरा है तुम्हारे सामने गिलास में, और शराब भी भरी है तुम्हारे सामने गिलास में। एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है, क्या पीना है क्या नहीं पीना वो आपका निर्णय, पी लो जो पीना है तुम्हें, सब कुछ यहाँ मिलेगा। यहाँ तुम झूठ भी बोल सकते हो और सच भी बोल सकते हो, यहाँ तुम गला दबा के मार भी सकते हो और किसी की जान बचा भी सकते हो, यहाँ अच्छाई बुराई सब कुछ है। अब क्या करना है सब कर लो कर लो, इसका फल फिर तुम्हें मिलेगा धीरे से। अभी तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नॉन स्टॉप करते जाओ, सब करो, फल मिलेगा। फिर जब वो मिलेगा तो फिर इसका हिसाब पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये तुम्हारी कर्म भूमि है, ये क्या है कर्म, यहां कर्म करना है तुम्हें, अच्छा या बुरा। अब अच्छा करना या बुरा वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है, आपके विवेक पर निर्भर है, सब करो। फिर यमदूत यहां से पकड़ के ले जाएंगे, तो यहां जो किया उसका परिणाम वहां मिल जाएगा। वो अलग दुनिया है, वो हिसाब किताब की दुनिया है, वहां फिर तुम कर्म है। अब तुम कहो कि महाराज थोड़ा सा समय दे दो, हम दान पुण्य कर लें, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाए। आप देखते हैं ना खड़े होके, इसने इतना दान किया तो इसको इतने साल तक स्वर्ग इतना सुख मिलेगा, और इसने इतना पाप किया तो इतना दुख। आप देखते हैं, आपको लगता राम राम हमने क्यों नहीं पुण्य पुण्य किया, हमने क्यों नहीं अच्छा अच्छा किया। अब थोड़ा सा समय मांगते हैं, भाई साहब थोड़ा सा यमदूत जी समय दे दो। यमदूत दिए छप्पड़ मारते, 100 साल दिया था फिर समय मांग रहा है। चल अब भोग, यहां 28 प्रकार के नरक होते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसे नरक में डाल दिया जाता है।